नमस्कार, मैं तनुज मासूम और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। 19 मई को 2019 का आखिरी सातवां चरण लोकसभा चुनाव का होने वाला है। बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाले हैं 19 मई को। ऐसे में सारे पार्टियों के जितने भी गद्दावर नेता हैं वो अपने सारे दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह पटना में अपना रोड शो कर रहे थे, वहीं गुरुवार को राहुल गांधी ने भी पटना में रोड शो किया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 8 लोकसभा क्षेत्रों में किनकी लड़ाई किनके बीच कितनी घमासान होने वाली है। बात करते हैं हम नालंदा की, तो नालंदा में जेडीयू प्रत्याशी हैं कौशलेंद्र कुमार, जो वहां के सिटिंग एमपी भी हैं, उनकी लड़ाई होने वाली है अशोक कुमार आजाद से। वीआईपी के नेता हैं ये। अब पटना साहिब की हम बात करें तो पटना साहिब से सिटिंग एमपी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो भाजपा से थे, अब वो भाजपा के खिलाफ कांग्रेस से मैदान में उतरे हैं और इनके सामने इनको टक्कर देने के लिए हैं रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और केंद्र में कानून मंत्री भी हैं। पाटलिपुत्र की हम जहाँ तक बात करें तो पाटलिपुत्र बिहार का एक हॉट सीट भी माना जाता है। यहाँ पर रामकृपाल यादव हैं बीजेपी से, तो इनके सामने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इनको टक्कर देने के लिए मैदान में खड़ी हैं। आरा की हम बात करें तो आरा से हैं आरके सिंह, पहले आईएएस रह चुके हैं आरके सिंह, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और सिटिंग एमपी भी हैं, इनको टक्कर देने के लिए हैं राजू यादव, महागठबंधन से समर्थित उम्मीदवार हैं सीपीआई माले के राजू यादव। अब हम बात करते हैं बक्सर की, तो बक्सर से हैं अश्वनी कुमार चौबे, जो बीजेपी के जाने माने नेता हैं और भागलपुर से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन भागलपुर सीट जो है वो जेडीयू के पक्ष में चली गई, तो इनको अश्वनी कुमार चौबे को टक्कर देने के लिए मैदान में हैं जगदानंद सिंह, ये आरजेडी के नेता हैं जगदानंद सिंह, जो अश्वनी कुमार चौबे को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब हम बात करते हैं सासाराम की, तो सासाराम से छेदी पासवान है बीजेपी के उम्मीदवार, तो इनको टक्कर देने के लिए इनके सामने कांग्रेस की बहुत ही जानी मानी नेत्री हैं मीरा कुमार, जो लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं। काराकट हम आते हैं तो काराकट में उपेंद्र कुशवाहा, जो उजियारपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके सामने हैं महाबली सिंह, जो जेडीयू के नेता हैं। अब हम आते हैं जहानाबाद, तो जहानाबाद में अरुण कुमार, जो सिटिंग एमपी हैं यहाँ के, फिलहाल अभी निर्दलीय हैं, पहले आरएलएसपी से थे, इनको टक्कर देने के लिए हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये जेडीयू के जाने माने नेता हैं, और इनके सामने सुरेंद्र यादव आरजेडी से हैं। मेन लड़ाई तो यहाँ पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव के बीच है, लेकिन यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में ट्विस्ट लाने का काम जो किए हैं वो है अरुण कुमार सिटिंग एमपी। अब यहाँ पे देखना ये है कि भूमिहार वोटर, जो यहाँ की लोकसभा सीट को तय करती है ऐसा माना जाता है, वो किसके पक्ष में जाते हैं, क्या अरुण कुमार भूमिहार वोटरों को अपने पक्ष में ला पाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए रिपब्लिकन न्यूज के साथ बने रहें, और आपको अगर ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।